बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है चिकन टिक्का। उसके लिए मैंने एक कदर सीना ले लिया है जो कि 800 ग्राम का है। किलो का था, विंग्स वगैरह गर्दन निकाल के 800 ग्राम रह गए। 2 चम्मच टेबलस्पून दही ले लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने मलाई ले ली है। 1 टीस्पून मैंने ले लिया हरी मिर्च, 3 अदद थी जो मैंने इसकी पेस्ट बना लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया। ये मेरे मसाले हैं जो मैंने फ्रेश डालने हैं और ये वो टिक्का मसाला है जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, ये हम डालेंगे। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा इसमें स्पाइसेस, मसाले, नमक, मिर्च कुछ नहीं डालेंगे। इसमें सब कुछ मैंने डाला हुआ है और ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। इसका मैं लिंक भी दे दूंगी और आज हम मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसे बारबेक्यू कह लें, टिक्का कह लें, मसाला यानी कि ये ही मसाला चलेगा सब में। सबसे पहले मैं चिकन में ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालूंगी। ये डालने से जायका बहुत मज़ेदार बनता है, यानी कि एक्स्ट्रा इसमें टेस्ट आ जाता है। दही, और दूध की मलाई, क्रीम भी आप डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून डालनी है। तो हमने पहले मैरिनेट करके रखना है। दूसरा चम्मच लेंगे और इसमें ये मैं टिक्का मसाला डालूंगी, 4 टीस्पून है ये, 1, 2, 3, बस 3 डाल दिए मैंने। इसको मैं मिक्स करूंगी। 5 से 6 घंटे मैं इसे रख दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये मैंने मैरिनेट कर लिया, अब मैं इसे फ्रेश रैप करके फ्रिज में रख दूंगी। चिकन मैरिनेट हो गया, इसको मैंने फ्रेश रैप कर लिया था, अब मैं इसे सीहों पे लगा लूंगी। एक बार फिर मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और कुछ ऑयल मैं पास रख लूंगी ऊपर लगाने के लिए। अब एक सीख लेंगे और कुछ फासले पे इनको इस तरह डालते जाएंगे, साथ साथ नहीं चिपकने चाहिए। ये बस इतनी एक एक सीख पे मैं लगा लूंगी और इसे एक प्लेट में रखती जाऊंगी। कोयले सारे गर्म हो गए हैं, अब मैं इनके ऊपर सीधे रखूंगी, एक एक करके मैं इन पे सेट कर दूंगी। ये मैंने सारी सीधें रख दी हैं, हल्की हल्की से हवा दूंगी, ज्यादा नहीं वरना नीचे से कोले इसके ऊपर चिपक जाएंगे। बस आग थोड़ी जलती रहे। ये देखिए मैं पंखे से हवा दे रही हूँ। हल्की आंच पे ही मैंने इसे बनाना है, ज्यादा तेज नहीं करनी वरना एकदम ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और इनको मैं देख अभी नहीं, जब थोड़ा सा एक साइड हो जाएगी फिर मैं इन्हें पलट लूंगी। पलट पलट के थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर इन्हें तैयार करना है। ये मैं इस तरह चेक कर रही हूँ, अभी नहीं हुआ। ये ऊपर जाली का बहुत फायदा होता है। इसको
तो मैं घुमाती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये देखती हूँ अगर एक साइड रहेगी फिर वो एक साइड जल जाएगी और एक साइड कच्ची रहेगी। बस इसको अब हैंडल ही करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ इनके ऊपर ऑयल लगाती जाऊंगी इस तरह। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। धुआं तो उससे भी ज्यादा मजे का है। ये देखिए अब मैं तेजी से घुमा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल डाला है और उससे धुआं एकदम उठा है ऊपर। बस अब मैंने इसे घुमाते जाना है। ये देखिए नीचे से सुराख होना शुरू हो गए हैं। ये मेरा चिकन टिक्का बारबेक्यू तैयार हो गया है। अब मैं एक लेमन लूंगी और इसको इनके ऊपर इस तरह निचोड़ती जाऊंगी। ये मैंने सारे टिक्कों के ऊपर एक लेमन निचोड़ दी है। और मैं अब इन्हें एक डिश में निकाल लूंगी। ये हमारा बारबेक्यू चिकन टिक्का तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार है, एक मैंने चखा है, इतना मज़ेदार जूसी और सॉफ्ट बना है कि जो खाएगा मज़ा आ जाएगा। साथ मैंने सलाद बनाया है, पुदीने धनिया की चटनी है। और प्लीज़ बनाएं, मेहमानों को एंजॉय कराएं, गरम गरम सीहों से उतारते जाएं, खाते जाएं। और मैं ये सीहों के साथ ही सर्व करूंगी, आप भी सीहों के साथ ही सर्व करें, इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। प्लीज़ बनाएं, एंजॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।